आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए या फिर लेट जाइए, या आप स्लो वॉक भी कर सकते हैं, जैसे भी आप रिलैक्स एंड अलर्ट फील करें उस पोजीशन में। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने बेली पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांस भरते जा रहे हैं, आपका बेली एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। ब्रीद आउट, धीरे से सांस छोड़ दीजिए। धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपनी सांसों को रिलैक्स्ड रेगुलर रिदम में गहरी सांस अंदर आने दीजिए और बाहर जाने दीजिए। फील योर बॉडी गेटिंग जस्ट अ लिटिल बिट हैवियर। फील कीजिए कि आपकी बॉडी थोड़ी सी भारी हो रही है और आप इस पोजीशन में रिलैक्स्ड हैं, कंफर्टेबल हैं। हर अंदर आती हुई सांस के साथ आप अपने अंदर काम, सूदिंग एनर्जी भर रहे हैं। आपकी बॉडी और आपका माइंड पहले से ज्यादा नर्म, सॉफ्ट होते जा रहे हैं और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ आपके अंदर जितना भी स्ट्रेस है, टेंशन है या फिर डिस्कम्फर्ट है, वो बाहर जा रहा है। ब्रीद इन, काम, ब्रीद आउट, स्ट्रेस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब धीरे से अपने दोनों हाथ अपने बेली पर रख दीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आपकी हथेलियों से जो गर्माहट निकल रही है उसको महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए कि वो जो गर्माहट है वो एक ब्राइट येलो लाइट है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह आपके हाथों से वो लाइट आपके बेली को ग्लो कर रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह वो येलो लाइट आपके हाथों से होते हुए आपके बेली को रेडिएट कर रही है और आपके बेली के अंदर जा रही है, बेबी तक पहुंच रही है।
आपके अंदर एक मिरेकल है। गहरी सांस लीजिए। जैसे जैसे आप गहरी सांस भर रहे हैं, आपका बेली एक्सपेंड हो रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह येलो लाइट और भी ब्राइट होती जा रही है। काम एंड रिलैक्स। हो सकता है इस ट्राइमेस्टर में आपको थोड़े चक्कर आते होंगे, आपको थकान होती होगी, आपको ऐसा लगता होगा कि कम एनर्जी है आपके अंदर, या आपको दर्द भी होता होगा। टेक अ मोमेंट और आप सोचिए कि आपको क्या क्या डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस प्रेगनेंसी के दौरान। सोचिए कि आपके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, और अगर किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस या टेंशन या जजमेंट या कोई पेन या कोई डिस्कम्फर्ट आपके दिमाग में आता है, तो आप उसको विजुलाइज कीजिए। देखिए वो सारे डिस्कम्फर्ट, सारी परेशानियाँ जैसे जैसे आप ब्रीद आउट करते हैं आकाश में उड़ती जा रही हैं, आपके अंदर से बाहर जा रही हैं। अपना ध्यान वापस अपनी बॉडी पर लाइए। जितना टाइम आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अपना ध्यान वापस अपनी बॉडी पर लाइए। जैसे जैसे आप सांस भर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने बेबी को अंदर मूव करता हुआ फील कर रहे हैं। आपकी बॉडी मैजिकल हार्ड वर्क कर रही है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड वर्क है। तो अगले कुछ मिनट तक हम ब्रीद इन, गहरी सांस लेंगे और अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम को अप्रिशिएट करेंगे, ग्रेस भेजेंगे, थैंक यू बोलेंगे। चाहे आपको कितना भी मैसी लग रहा हो, अनकंफर्टेबल लग रहा हो या परेशानी हो रही हो, ब्रीद इन ग्रेस,
आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं आपकी बॉडी जो कर रही है उसके लिए। और मामा, आने वाले टाइम में इस बेबी को इस दुनिया में लाने के लिए आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी चाहिए और आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए ये करने के लिए। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, इनक्रेडिबल हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है अपने बेबी की डिलीवरी को लेकर, कुछ सेकंड लीजिए उस स्ट्रेस को, उस टेंशन को पहचानने के लिए, देखने के लिए, और इमेजिन कीजिए कि आप वो सारा स्ट्रेस, वो टेंशन एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। सोचिए कि ये सारा स्ट्रेस, ये टेंशन, ये डिस्कम्फर्ट, ये पेन छोटे छोटे पत्थर हैं, स्टोन हैं, जो कि ग्राउंड पर पड़े हुए हैं, और आप एक एक कर कर उस स्ट्रेस को, उस टेंशन को, उस डिस्कम्फर्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने हाथों से चुन रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप फ्लोर पर बैठे हैं और उन पत्थरों को इकट्ठा कर एक पाइल बन गया है। वो पत्थर, वो स्टोन्स इकट्ठा हो गए हैं और अब आप किसी और मॉम के बारे में सोचिए जिसको आप जानते हैं। उसने अपना हाथ आपके शोल्डर पर रखा और वो बोल रही है, Everything is going to be all right. जो भी होगा सब अच्छा होने वाला है। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वो मॉम आपसे एक स्टोन लेकर आपके साइड में बैठ गई है। और अब महसूस कीजिए एक और मॉम आपके पास आती है। वो आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी आंटी, आपकी दादी, या जिसे भी आप इमेजिन करें। उन्होंने अपना हाथ आपके शोल्डर पर रखा और धीरे से कान में कहा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। और जैसे जैसे आप सांस भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि उन्होंने एक स्टोन आपसे लिया और आपके साइड में बैठ गए। इस प्रोसेस को कुछ मिनट तक रिपीट कीजिए। और आप देख रहे हैं कि सारी माएँ, आप जिनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, माएँ आज के टाइम से
और माएं, इतिहास से सब आपके पास आ रहे हैं, अपना मदरली विजडम लेके, अपने एक्सपीरियंस की समझ लेकर, एक एक स्टोन आपसे लेती जा रही हैं और आपके पास में बैठती जा रही हैं। माय डियर, यू आर नॉट अलोन, आप अकेली नहीं हैं। आपके पास समझ है और स्ट्रेंथ है, आज से नहीं, जनरेशंस की औरतों की जो आपके अंदर हैं, सब एकदम अच्छा होने वाला है। लंबी गहरी सांस भरिए और अपने आप को देखिए। धीरे धीरे आपकी हथेलियों की गर्माहट से निकलती हुई येलो लाइट आपके बेली से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में फैल गई है और आप ग्लो कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, उस लाइट की वॉर्म्थ को अपने अंदर फील कीजिए, आप उस लाइट के सेंटर में हैं। आप कुदरत का एक करिश्मा हैं, आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। यू आर एन अमेजिंग मॉम। आप रिलैक्स ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए इस मेडिटेशन से जब चाहें बाहर आ सकते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को रब कीजिए, उस गर्माहट को अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पर लगाइए।